किया इस बात की निशानदेही के लिए कि इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान इसका वक्त होगा बहुत ये समझा नहीं कैसे शादी पुराने अकीदों को आपने तलाक ली नई दुल्हन को आपने आज ब्याह किया मैं अकीदा इसके बाद कबूल मैं अकीदा अब किस्मत को नहीं रोऊंगा तकदीर को नहीं रोऊंगा मैं अल्लाह को भी बोलूंगा अल्लाह को ये क्यों किया अल्लाह ने मुझे इख्तियार दे दिया जो है मेरे हाथ में है मैं चाहूं जा रास्ता जन्नत का बनाऊं या चाहूं तो जहन्नम का बनाऊं एक फकीर था बड़ा मशहूर सिंध में बहुत गरीब था सर्दियां सख्त थी वालदा ने कहा बेटा लकड़ियां अपने पास है नहीं सर्दी बड़ी सख्त है क्या करें पैसे तो है नहीं लकड़ियां कहां से लाए तो एक काम कर तो अल्लाह का वली है अल्लाह से दुआ करके कुछ जहन्नम की थोड़ी आग भेज दे ताकि कुछ गर्मी हो उसने कहा मां जहन्नम में आग नहीं है इसी बात करें जानना में आग नहीं है सलीम मां जानना में आग नहीं है हर इंसान अपने हिस्से की आग लेकर जाएगा जहन्नम सलीला अमल क्या है हर अमल का रद्द अमल है जन्नत भी खुद बनाते हो और जहन्नम भी खुद बनाते हो जरा सा उसको देखना है भैया अच्छा भाई हैप्पीनेस पे आ जाओ हाय देखा कितना जबरदस्त चेहरा है लर्न हाउ टू बी हैप्पी हमारे अंदर है हैप्पीनेस अल्लाह ने खुशी दी We'll be right back.
निशाना ही ऐसा लगाया था और इसकी वजह भी है। लियाका साहब ने कहा कि भाई बात यह आपने जो कोरमा खाया चिकन का और साथ साथ आपने नान खाए आसानी से हजम नहीं होंगे, तो थोड़ा एक डांस करो ताकि हजम हो सके। आवाज सही हुई है, आवाज आ रही, थैंक यू वेरी मच। बैठी खुशी लगी है। अब ये तो सेगमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ही जरूरी है। बैठिए तशरीफ लगी प्लीज। आपने याद रखना है मैनेजमेंट से बात करी, जब मेरा सेशन एंड होगा तो उस वक्त सारी लाइनें बंद कर दी हमने और कॉमी कराने चलेगा। मैं इनको एक ऐसी चीज कराऊंगा जो जिंदगी में नहीं की होगी, याद रहेगा लियो वालों को। आपको मैं नया पाकिस्तान दिखाऊंगा। मजा आया? बिरयानी खाई? सादे का बात वालों, ये बिरयानी कहते हैं इसे। अच्छा, ये बिरयानी बनती ही कराची में, वहां नहीं बन सकती क्योंकि जाहिर है इसका जो कुक होता है वो इसी एरिया से, बट एनीवे बिरयानी है और डेफिनेटली बड़ा फर्क है। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। हमने सेहत पे बात की, सेहत बहुत बड़ी दौलत है, सेहत बहुत जरूरी है हमारे लिए, हम अपने पैरों पे चल सके जब तक हम जिंदा रहे, अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे, हमें मौत कोई अस्पताल में ना आए, हम चाहते हैं हमारे घर पे मौत आए जहां हमारे अजीज रिश्तेदार औलाद सब हमारे साथ मौजूद हो। भैया इसको कुछ करो यार, बड़ा डिस्टर्ब हो रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कोई हम सबकी दुआ होनी चाहिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी कि अल्लाह ताला सबको किसी का मोहताज ना करे। अपने अब हम आते हैं वेल्थ मैनेजमेंट, दूसरा हमारा सेगमेंट है वेल्थ का। पहले हेल्थ था, अब वेल्थ का। ये जो सेगमेंट है ये कॉपीराइट है। आप समझते कॉपीराइट क्या होता है? जुमला हुकूक महफूज, कॉपीराइट है। तो इसमें से कोई चीज आप कॉपी नहीं कर सकते, ये रजिस्टर्ड है। और उससे पहले एक छोटा सेशन कराना चाहता हूँ आपके साथ हाजिर हुआ। अच्छा, हम देखिए आपके दाएं या बाएं में बैठे, दाएं या बाएं, दाएं तो आप दूसरे एग्जैक्टली आपके दोनों तरफ दो होते बैठे थे, आपके तरफ दो है, आपके साथ दो आवाज़ है। अच्छा, अब जो बंदा आपके दाएं या बाएं मौजूद हो, आपके ये मौजूद, आपके ये मौजूद, आपके ये मौजूद, तो लेफ्ट या राइट में जो शख्स भी मौजूद हो ये आपका पार्टनर है। वक्ती तौर अब आपने 10 मिनट में आपको दे रहा हूं, हर शख्स को 10 मिनट मिलेगा। पहले आप में से दो में से डिसाइड करें, आप दो डिसाइड करें किसकी बारी पहले, आप दो डिसाइड करें किसकी बारी पहले, करो डिसाइड आपके आपके किसकी बारी पहले होगी। आप में से आप दो पार्टनर हैं, आप लोग आप डिसाइड करो किसकी बारी पहले। हेलो गाइस, ये है लाइव सेमिनार लियो। दाएं बाएं कोई भी बैठा हो आपके, डिसाइड कर लो किसी बारी पहले होगी। हो गया? अब अपने साथी की तरफ फेस करो, चेहरा उसी तरफ, उससे 5 मिनट सवाल आपको। पहला, उसका नाम, उसकी उम्र, क्या करता है, क्या पेशा है, तारीफ और यहाँ पे क्यों आए, ये पहले बेसिक 4 सवाल करें। उसके बाद आप उसे पूछे कि आज से 5 साल बाद ये 2018 खत्म होने को है, 2021, 2022, 2023, 2023 में आपका पार्टनर अपने आप को कहां देखता है, क्या कर रहा होगा, क्या होगा उसके पास, उसको कहे 5 साल आगे जाकर आपको बताए कि वो क्या सोचता है। जब वो बता दे फिर आपकी बारी, अब वो फिर आपसे यही सवाल पूछे। ये गुफ्तगू शरीफ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो कोई राज की बात करता है कि जी 5 साल बाद दूसरी होगी, तो आपने किसी और को नहीं बताया, ये उसका राज है, ठीक है? क्योंकि जब से वो डॉक्टर साहब ने टीवी पे आके अपनी दूसरी बीवी को गुजारिश कराया और वो सही नहीं था, शादी खराब नहीं है, मगर हुकूमत का अमल ना किए, हुकूमत बड़े इंपॉर्टेंट, किसी का हक पाया
तो दर्शन पकड़े का अल्लाह क्या मत है। तो ये मैं आपको 10 मिनट देता हूँ, समझ में आ गया। एक आदमी दूसरे से कुछ सवाल पूछे उसकी जिंदगी के बारे में, और फिर ये पूछे कि कोई यहां क्यों आया है, क्या लेके जाएगा यहां से, क्या सोच के आया है। यदि तमाम सवाल के जवाब देकर उसके बाद पूछेगा, आज से 5 साल बाद तुम अपने आप को कहां देखते हो, क्या कर रहे होंगे, किस मुल्क में होंगे, ये तमाम चीजें देखिए उसके जहन में आने वाले दिल का कोई बात कोई सपना है कि नहीं। मैं सपना ढूंढना चाह रहा हूँ। मुझसे पूछे मैं 5 साल बाद कहूंगा, वैसे तो अल्लाह को पता, मगर फिर भी मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ और सपने में देख रहा हूँ। बहुत कुछ ठीक है, 10-15 मिनट देता हूँ, उसके बाद रोटी तैयार होगी आपकी। चलिए जल्दी करके बात करें, कोई हेल्प चाहिए हमसे पूछ ले।